हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक सैमसंग का कीपैड फ़ोन है, B110 मॉडल है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, नो सर्विस का सिंबल ऊपर में, या इमरजेंसी कॉल आप इसे जो भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि मैं आज इसमें परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। क्या होता है कि अगर इसका क्रिस्टल पर हम हीट देते हैं तो 5 दिन या 6 दिन जो भी हो चलता है, फिर से ये सेम प्रॉब्लम वही कंडीशन पर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो आज इसका हम परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे, क्रिस्टल चेंज करेंगे। ठीक है, और क्रिस्टल कहाँ से ख़रीदना है, कौन सा क्रिस्टल ख़रीदना है, कौन सा क्रिस्टल किस में काम करेगा, यूनिवर्सल क्रिस्टल, तो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे कंटिन्यू आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है। बीच बीच पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा जिनसे आपको ख़रीदना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका नंबर मिल जाएगा। आप उनसे क्रिस्टल ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप मिनिमम आपको 5 पीस तक मंगवाना होगा। ठीक है, आप 5 पीस मंगाओ या फिर 100 पीस मंगाओ, आपको कुरियर चार्ज तो उतना ही लग जाएगा। ठीक है, तो अपना क्वांटिटी के हिसाब से आप मंगवा सकते हो, क्योंकि ये फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इसे क्वांटिटी में भी मंगवाएंगे तो रेट भी आपका कम लगेगा वहाँ पे, तो प्राइसिंग भी और आपका काम भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ब्लैक क्रिस्टल है। इसका जो पिक मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि अभी ये मेरा वाला नंबर है जो पहले से था, आपको साइड में दिख जाएगा। और इसमें मैं यूनिवर्सल जो इसका क्रिस्टल है मैं वो यहाँ पे लगाऊंगा, यूनिवर्सल क्रिस्टल। ठीक है, तो फ़ोन आपको डेड भी नहीं होना है, सेफ़ तरह से काम करना है। क्या कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन हमारा डेड हो जाता है हीट मारने में, तो इसे कैसे करना है और डेड क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। ज़्यादा हीट देने के कारण हमारा आईसी के अंदर बॉल शॉर्ट्स हो जाते हैं, इसके कारण से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बगल में ही सीपीयू होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, एक ब्लेड या फिर आपके पास सिक्का कॉइन्स हो तो कॉइन से सीपीयू को ढक देना है। और अगर आपके पास ये वाला जो टेप है, हीटिंग टेप, आप इसे यूज कर सकते हो। वहाँ पे आप सिंपली ब्लेड को बस फिक्स करना है, या फिर आप कॉइन्स यूज सिक्का सिक्के का यूज कर रहे हैं सीपीयू ढकने के लिए, तो आप उसको भी सिंपली यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइप से इसे लगाऊंगा जिधर से अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसे बस फिक्स कर देना है कि हीले नहीं हमारा हीट देते वक्त। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मैं फ़िक्स कर लेना। ठीक है, और कितना टेम्परेचर रखना है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट आप अच्छे क्वालिटी का यूज करें ताकि कम आपका टेम्परेचर में ही वो पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं रिलाइफ का पेस्ट यूज कर रहा हूँ। आप मैकेनिक वगैरह जो भी हो, आप अच्छे बस अच्छे क्वालिटी का पेस्ट यूज करें जो कि कम हीट देते हैं, आपका वो जो रंगा रहता है वो मेल्ट हो जाए हमारा जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली अभी टेम्परेचर जो रखने वाला हूँ सारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेम्परेचर, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा टेम्परेचर का, हीटिंग वगैरह जो भी कितना रखना है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ AKT 850 AD। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैं 380 रखने वाला हूँ। ठीक है, और एयर को आप 2 पे रखें, जितना एयर मिनिमम रखें अपने SMD के अनुसार से, आपका कौन सा SMD है। दोनों में बस नॉर्मल एयर, ज़्यादा एयर नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा कम ही होना चाहिए, मीडियम हो, 1 या 2 पे रखें या 1 पे रखें। और सिंपली क्या करना है हमें, बहुत अच्छे से इसे निकाल लेना। ठीक है, हीटिंग देना है बिल्कुल क्रिस्टल के ऊपर, हम आईसी की तरफ हीट नहीं देंगे, जहाँ तक हो सके हम क्रिस्टल के ऊपर ही तक हीट देंगे, हमारा बस क्रिस्टल हीट हो वहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में सारा मैं लाइव करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम से क्वालिटी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियर देखे, माइक्रोस्कोप से बनाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम क्रिस्टल को यहाँ से निकाल, मैंने इसे निकाल लिया। ठीक है, और मैं न्यू क्रिस्टल भी दिखाऊंगा कि कौन सा क्रिस्टल मैं यूज करने वाला हूँ। ये तो आप देख पा रहे हो ब्लैक क्रिस्टल था इसमें, अभी इसमें मैं वो सिल्वर वाला क्रिस्टल यूज करूँगा यहाँ पे, और वो वर्क भी करता है। वो कोई भी अगर पहले से सिल्वर भी लगा हुआ रहता तो वही यूज करते, या फिर ये ब्लैक है तो ये सारा मॉडल में ये क्रिस्टल काम करता है, यूनिवर्सल क्रिस्टल रहता है। आपको सेम क्रिस्टल चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। आपको एक नीचे मैं PDF दे दूंगा, अगर आपको PDF वो नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन करके आप PDF मांगोगे तो मैं सारा उसमें आईसी लिस्ट का है और जिनसे ख़रीदना है उनका नंबर भी है, एड्रेस सारा आपको उसमें मिल जाएगा। तो सिंपली आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में वो ज्वाइन करना है, कोई पैसे नहीं देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हल्के से पेस्ट लगा के रंगे को हल्के हल्का से रंगा देके मैं यहाँ पे इसे अच्छे से वो करूँगा, हल्का हल्का रंगा देगा, बॉल्स हमारा वहाँ पे अच्छे से बना लेना है सिंपली। ठीक है, हल्का हल्का पेस्ट लगाना और रंगा लगाना है। ठीक है, और जब हमारा बॉल्स कम्प्लीटली क्लियर हो जाए तो फिर एक बार क्लीन करना है। ठीक है,
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करूंगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको लो क्वालिटी में देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो जूम करके बना रहा हूँ इसके कारण से, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर करना है, हमें कोई भी काम करने से पहले मदरबोर्ड को अच्छे से फ्रेश करना है जहाँ पे भी काम करें। इससे क्या होता है, हमारा काम करने का कुछ नेक्स्ट लेवल का वो एक्सपीरियंस होता है अगर हम पूरा क्लियर करके अगर काम करें तो। तो ये हमारे यहाँ पे नया सा क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल का सीरियल नंबर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, सिंपली आप देख सकते हो वहाँ पर। इसका भी मैंने पिक आपको डाल दिया HD में, आप वहाँ से देख पा रहे हो इसका कौन सा क्रिस्टल है। आप सिंपली ये वाला क्रिस्टल भी बाय कर सकते हैं, वो PDF में आपको बस एक मैं PDF दूंगा ग्रुप में, वो PDF ओपन करके ये क्रिस्टल का नंबर सर्च करना है, ठीक है। वो नंबर सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पर प्राइस भी शो हो जाएगा कितने का ये क्रिस्टल आता है, क्योंकि मैं वीडियो में इसका प्राइस नहीं बता सकता हूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 100 के अंदर में ही आता है। और ये क्रिस्टल लगाने के बाद हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, कोई बार बार कस्टमर हमें रिटर्न नहीं लेके आया कि भैया कैसे बना के दिए, फिर से वैसा होगा। होता है हीट देने से, बस हीट दे दो तो नेटवर्क तो आ जाता है लेकिन फिर से वही कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको सेम वही टेम्परेचर पर लगाना है, टेम्परेचर आप कम भी कर सकते हो, 350 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हल्का सा यहाँ पर लग चुका है, तो मैं थोड़ा सा और हीटिंग हीट करके दोबारा इसे मैं अच्छे से बिठाऊँगा, ठीक है। लगाना बहुत इजी है, बस हीटिंग आपको कम रखनी है, नहीं तो फ़ोन यहाँ पे डेड होने का चांसेस 50-50 हो जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हीट टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया, हीटिंग टेम्परेचर आपको उतना रखना है, ठीक है, 350 या 380 आपके SMD के अनुसार और आपके वोल्टेज के अनुसार वो एयर और हीट निकालता है, तो आप अपने SMD के अनुसार देख लेना, 350 या 380 हार्ड टू हार्ड रखें। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फाइनली बहुत अच्छे से लग चुका है, ठीक है। तो हम सिंपली टेप उप निकाल के सर्विस करेंगे और उसके बाद फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाएंगे, मैं वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगा हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसका भी सोल्यूशन उसको भी सोल्व कर दूँगा जो भी आपको दिक्कत इस वीडियो में लगी हो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी लो होता है, इसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे क्वालिटी का वीडियो लाऊंगा आपके लिए बिल्कुल क्लियरली, जो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप IC देख रहे हो किस टाइप से मैंने बैठाया, किस एंगल में लगा हुआ है, वो भी पिक आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इसी टाइप से इसी IC को क्रिस्टल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं प्लेट लगाऊंगा और फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें नेटवर्क हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब सेम वही फ़ोन है आप देख सकते हो, और इसका सिम कार्ड भी वही है जो मैंने मार्क किया हुआ था पहले से ही, ठीक है, वही सिम लगाने वाला, इसी चलते मैंने फ़ोन में मार्क कर दिया था कि आपको क्लियर क्लियर सब पता चल सके, ठीक है। तो वही मार्क किया हुआ सिम हम इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रिस्टल चेंज करने से हमारा परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है, कस्टमर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आता, कोई किसी तरह का वो हमें दोबारा बोलने नहीं आता है। और ये बहुत वर्किंग है, मैंने कस्टमर्स को बहुत दिन से लगा के दिया है, हमें कोई शिकायत अभी तक नहीं आ पाया है। तो आप भी सिंपली सेम टू सेम भी क्रिस्टल आप लगा सकते हो, वो PDF में है वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन मैं यूनिवर्सल लाया था क्योंकि ये सारे मॉडल्स पे काम करता है। तो जैसा कि देख पा रहे हो हमारा नेटवर्क यहाँ पर कम्प्लीटली शो हो चुका है, ठीक है, हमारा फुल नेटवर्क आ चुका है, ठीक है। और ये परमानेंट है, ऐसा नहीं 10-15 दिन में ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जब तक हमारा क्रिस्टल चलता है 6 महीने 7 महीने जो भी लाइफ हो वो चलेगा, बीच में जल्दी ख़राब नहीं होएगा, ठीक है। और इसकी कॉस्ट भी आपको PDF फाइल में देखने को मिल जाएगी।